Dear students, welcome to LS Academy for Technical Education. Today we'll discuss an important problem of push down automata. ये problem आपकी AKTU examination के 2018-19 में आई हुई है. काफ़ी important problem है. इसको हम detail में discuss करते हैं कि अगर ये आपको context free grammar दे रखी है तो इसके लिए किस तरीके से हम push down automata या PDA हम construct करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले problem देख लेते हैं. हम problem क्या है. प्रॉब्लम इज कंस्ट्रक्ट द PDA और पुश डाउन ऑटोमेटन फॉर द लैंग्वेज L इक्वल टू ए की पावर I, B की पावर J, C की पावर K, जहां पर I इक्वल टू J है या J इक्वल टू K है. दो कंडीशंस हैं. लैंग्वेज क्या है आपकी, AI, BJ, CK. ठीक है, और ये कह रहा है कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो I इक्वल टू J होगा या फिर J इक्वल टू K होगा. तो दोनों कंडीशंस के लिए आपको PDA कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हो रही है. इसका मतलब है कि कौन सा पुश डाउन ऑटोमेटन इसमें वर्क करेगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा या NPDA. जैसा कि आप जानते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटन दो तरीके का होता है, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि I इक्वल टू J भी हो सकता है, J इक्वल टू K भी हो सकता है. तो इसमें जो पुश डाउन ऑटोमेटन यूज़ होगा, क्लियरली पता लग रहा है कि हमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा या NPDA यूज़ होगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम के पहले पार्ट कर लेते हैं दो, जब I इक्वल टू J है और दूसरा जब J इक्वल टू K है. ठीक है, तो पहला पार्ट L इक्वल टू AI, BJ, CK व्हेन I इक्वल टू J. ठीक, दूसरा L इक्वल टू AI, BJ, CK व्हेन J इक्वल टू K. इसको इधर कर लिया, इस पार्ट को इधर कर लिया. ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी हमने ये अज्यूम कर लिया कि हम कह रहे हैं I इक्वल टू J है. ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया लेट I इक्वल टू J इक्वल टू N, कि I और J की वैल्यू क्या है, N है, जिससे हमें पता लग गया कि I और J इक्वल आ रहे हैं. तो ये इक्वेशन क्या हो गई, L इक्वल टू A की पावर N, B की पावर N, C की पावर K. ठीक है, यानी पहला AI और BJ वाला पार्ट सेम है, AN, BN. इसी तरीके से हमने इसको अज्यूम कर लिया, इसमें J इक्वल टू K है, तो हमने J इक्वल टू K इक्वल टू M अज्यूम कर लिया और कह दिया, इसको लिख दिया AI एज इट इज रहेगा और BN, CN. इस तरीके से हमने इसके दो पार्टीशन कर लिए. अब PDA डिजाइन करने से पहले हम साथ में देखते रहेंगे किस तरीके से इसका सिमुलेशन भी होना है, क्योंकि अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो साथ साथ में सिमुलेशन भी देखते रहें तो आपको इजी रहेगा. तो अब हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं किस तरीके से वर्क करेगा ये. सबसे पहले आप देखिए, आपका ये इनपुट टेप होगा, ये आपका PDA होगा, ये पुश डाउन स्टैक होगा. ठीक है, सेम हम इसके लिए अज्यूम कर रहे हैं, इनपुट टेप, पुश डाउन स्टोर और पुश डाउन ऑटोमेटा. ये रीड हेड होगा जो यहाँ से इनपुट टेप से रीड करेगा, ये स्टैक में क्या करेगा, पुश, पॉप और नोच, इन तीन तरह के ऑपरेशन कर सकता है PDA. सेम यहाँ पर, यहाँ से रीड करेगा इनपुट को, यहाँ पर पुश डाउन स्टैक में रीड करेगा, पुश करेगा, पॉप करेगा या नोच, इन तीन ऑपरेशन करेगा. अब पहले लॉजिक समझ लेते हैं किस तरीके से वर्क करेगा. हमने एक सैंपल एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें क्या है, ए और बी इन इक्वल हो, सी इक्वल हो ना हो, उसकी कोई कंडीशन नहीं है. हमें सिर्फ इक्वलिटी किस में चेक करनी है, ए और बी में. तो फॉर सिंपलिसिटी हमने एक प्रॉब्लम ली हुई है जिसमें ए 4 times ले रखा है, बी 4 times ले रखा है, ठीक है, और सी 3 times ले रखा है. यानी ए और बी इक्वल ले रखे हैं, सी इक्वल नहीं ले रखा है. ऐसे ही ये वाला पार्ट है, इसमें क्या है, हमने इसमें क्या कह रहा है, ए कितने भी हों बी और सी इक्वल होने चाहिए. तो इसमें हमने क्या कर रखा है, ए 3 ले रखे हैं, बी 4 ले रखे हैं और सी 4 ले रखे हैं. ठीक है, इक्वलिटी चेक करने के लिए. अब क्या लॉजिक हमें अप्लाई करना है, ये हमें देखना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी टेप से ए रीड करेंगे, पहले हम इसके लिए डिस्कस करते हैं क्या, जब ए और बी इक्वल हैं, जब ए और बी इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, ए आएगा स्टैक में, ए डालते जाएंगे, ए रीड करेंगे, उसे पुश कर देंगे स्टैक में. जैसे बी आएगा, हर बी के बदले स्टैक से एक ए निकाल देंगे. जैसे बी आएगा, हर बी के बदले स्टैक से ए निकाल देंगे. तो जैसे ही रीड भी करेगा बी, तुरंत क्या कर देगा, पॉप में तुरंत पॉप कर देगा ये. जैसे जैसे यहाँ बी रीड करता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ से ए पॉप करता जाएगा. अब 4 हमने अगर ए डाले हैं और 4 यहाँ पर बी आए, तो हर बी क्या करेगा, हर ए को पॉप आउट करता रहेगा. तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि बी और ए इक्वल हैं. उसके बाद जैसे ही सी आएगा, सी आने पर हमें क्या करना है, नो चेंज. सी आने पर हमें इक्वलिटी तो चेक करनी नहीं है,
जब इक्वलिटी चेक करनी होती है, जब ही हम पुश या पॉप करते हैं, जब सी आएगा तो एज इट इज यहाँ जेड नॉट रहने देंगे, यहाँ सी रहने देंगे, ठीक है। सी के केस में चेंज नहीं करना है। इस वाले में अगर हम देखें तो इस वाले के लिए क्या लॉजिक यूज करेंगे, इसमें क्या कह रहा है, ए कितने भी हों, बी एम और सी एम, यानी कि बी और सी की इक्वलिटी चेक करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, ए थ्री ले रखें, बी फोर ले रखें, सी फोर ले रखें, क्योंकि हमें बी और सी में इक्वलिटी चेक करनी है। आप कोई भी और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली जो भी चाहें, ठीक है। तो हमने बी ए, अब क्या करेगा ये, ए जब आएगा रीड ए करेगा तो ए की तो इक्वलिटी चेक होनी नहीं है। तो जब यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर मान लीजिए स्टैक में इनिशियल सिंबल जेड नॉट पड़ा हुआ है, तो स्टैक में कोई भी चेंज नहीं करना है क्योंकि ए की तो इक्वलिटी चेक करनी नहीं है। तो अगर जब तक स्टैक में ए चलता रहेगा तब तक यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो रीड ए करने पर नो चेंज करना है। दूसरा, जैसे ही यहाँ पर बी आए आने स्टार्ट होंगे तो आपको क्या करना है, स्टैक में बी डालते जाना है, जितने भी बी आएंगे, चार बी आएंगे तो चार बी के हम चार बी डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे सी आने स्टार्ट होंगे तो हमें जो बी और सी है उनमें इक्वलिटी चेक करनी है। अब मान लो बी आपने चार स्टैक में डाल दिए और सी आता है, तो आप क्या करिए, हर सी से जैसे सी आए तुरंत क्या करिए, एक बी को पॉप आउट कर दीजिए। इससे क्या होगा, इक्वलिटी चेक होती रहेगी। चार अगर बीस में पड़े हुए हैं तो चार सी के आने से वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे पॉप आउट हो जाएंगे। तो हमने लिखा है ए आएगा कोई चेंज नहीं करेंगे, बी आएगा स्टैक में डाल दे जाएंगे, और जैसे सी आएगा स्टैक से बी को निकाल दे जाएंगे, ठीक है। बाकी हम थोड़ा और जब ट्रांजिशन डायग्राम बताएंगे तो आपको और डिटेल में आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये लॉजिक हमें यूज करना है इसके लिए, ठीक है। हमने ये प्रॉब्लम ली हुई है। अब सबसे पहले हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे ये प्रॉब्लम पार्ट दे रखा है कि ए आने स्टार्ट हो जाएंगे, कितने भी ए आए, दो आए, तीन आए, चार आए, पांच आए, जितने भी आते रहे, एक बार ए आने बंद हो गए तो फिर क्या आएंगे, सिर्फ बी आएंगे। यानी एक बार अगर बी आ गया तो फिर ए नहीं आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना चाहिए। मान लिया ऐसा ना हो कि एक बी आ गया उसके बाद कोई ए आ जाए, ना रिजेक्ट कर देगा, तो हमें क्या करना है, ए आएगा, ए के बाद बी आने चाहिए और बी आने के बाद फिर सी ही आने चाहिए, फिर कोई बी या ए नहीं आना चाहिए। तो ऑर्डर का भी हमें ध्यान रखना है, सेम हमें यहाँ ध्यान रखना है कि एक बार ए आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब बी आने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर ए नहीं आना चाहिए, जब सी आने स्टार्ट हो जाएंगे तो बी या ए नहीं आना चाहिए, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। अब देखते हैं किस तरीके से इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनेगा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से सिमुलेट हो रहा है ये, और साथ में ये भी देखेंगे किस तरीके से इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले हमने जो एज्यूम कर लिया है कि इसमें स्ट्रिंग जिसमें ए और बी इक्वल हैं और सी अनइक्वल हैं, फोर टाइम्स ए लिया है, फोर टाइम्स बी लिया है और सी थ्री टाइम्स लिया है, ठीक है। अब देखिए इनिशियल स्टेट आपकी क्यू नॉट है, यहाँ पर क्या है, इनिशियली ए, यहाँ पर क्या है, जेड नॉट है, टेप पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, जेड नॉट है। ऐसा केस कितनी बार आएगा, ऐसा केस सिर्फ एक बार आएगा जब यहाँ पर ए हो, यहाँ पर जेड नॉट हो, वो भी पहली बार, ठीक है, बार बार नहीं आएगा। और जो केस सिर्फ एक बार होता है उस केस में हम स्टेट चेंज करते हैं। तो अगर यहाँ पर इनपुट टेप से ए रीड कर रहे हैं और यहाँ पर जेड नॉट है, तो हमने क्या बताया था, जब ए रीड करते हैं तो पुश करते हैं ए को, क्यों, ए को पुश करना है, बाद में बी से ए को निकालेंगे, तो जितने भी ए आएंगे आपको स्टैक में डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए रीड किया, यहाँ से जेड नॉट रीड किया और इस ए को यहाँ से हटाकर स्टैक में हमने पुश कर दिया, ठीक। तो ये क्या पोजीशन दिखा रहा है, जेड नॉट और उसके ऊपर ए, जेड नॉट उसके ऊपर ए, उस पोजीशन को दिखा रहा है। स्टेट चेंज क्यों हो गए क्यू वन, क्योंकि ऐसा केस सिर्फ एक बार होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये ए आ गया, अब पॉइंटर किस पे पहुंच गया, पॉइंटर पहुंच गया अब इसके ऊपर, स्मॉल ए पर, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से पॉइंटर इनपुट टेप का कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। अब यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, दोनों जगह ए है, क्यू वन में टेप पर भी ए, स्टैक में भी ए है। तो हमें क्या करना है, हमने क्या बताया, जब तक ए आते रहेंगे हम उसे स्टैक में डालते रहेंगे। तो यहाँ ए है, इसको हटाया, इसको स्टैक में डाल दिया, ठीक। हमेशा किसकी पोजीशन शो कर रहे होते हैं, ये वाला पॉइंटर है ए और ये वाला है, सिर्फ दो पोजीशन की शो कर रहे होते हैं, ठीक है। जेड नोड को अब शो करने की जरूरत नहीं, इन दोनों ए को ही शो किया जाएगा, ये नीचे वाला है और ये टॉप वाला है, ठीक।
अब ये यहाँ पे लूप क्यों लगाया है? लूप इसलिए लगाया कि ये वाला केस अब कई बार रिपीट होगा, क्यों? अब देखो अगला पॉइंट तीसरा आइटम ये है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर से वही लूप लगेगा, जो केस बार बार हो रहा है उसके लिए लूप लगाएंगे। तो जब तक यहाँ ए आते रहेंगे और यहाँ ए मिलेगा, हम क्या करते रहेंगे? पुश करते रहेंगे। तो ये दो ए है, यही लूप चलेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से हटाओ यहाँ डाल दो, यही लूप लाइन चलेगी। फिर यहाँ ए है, यहाँ भी है, इसको भी यहाँ से हटाओ यहाँ डाल दो, ठीक है, ये लूप चल रहा है। अब सारे ए खत्म हो गए, जैसे ही फर्स्ट टाइम बी आएगा उसको यहाँ पर क्या मिलेगा? ए मिलेगा, ठीक है। और हमें क्या करना है? ए और बी की इक्वालिटी चेक करनी है। तो जैसे ही यहाँ बी आया और यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक में अब क्या मिलेगा हमें? ए, चार ए डाल दिया हमें, ठीक। और हमें क्या इंश्योर करना है कि बी आने के बाद फिर ए नहीं आना चाहिए, भाई बी आने स्टार्ट हो गए तो फिर ए नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं उसके लिए? स्टेट चेंज करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पुरानी वाली स्टेट वाला कोई भी काम ना हो। तो इसलिए हमने ये लूप तो कई बार रिपीट होगा कि हर बी से हर ए को पॉप करना है, लेकिन क्योंकि जब पहली बार बी आता है तो फिर ए नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर बी आया और यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है? ए पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस बी के करस्पॉन्डिंगली इस ए को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। इस ए को हमने क्या कर दिया? हटा दिया यहाँ से। हटा दिया तो क्या बचा यहाँ पर? लैम्डा बचा। क्यू वन में यहाँ बी था, यहाँ ए था, तो हमने क्या किया, बी को तो एज इट इज रहने दिया, ए को हटा दिया। बी रीड जब करेंगे तो पॉप करेंगे ए को, ए को यहाँ से पॉप कर दिया, ठीक है। पॉप जैसे ही हमने किया तो यहाँ पर क्या रह गया? लैम्डा रह गया। और क्योंकि हमें फिर बी आने के बाद ए को नहीं आने देना है, इसलिए पहली बार में हमने सिर्फ पहली बार के लिए स्टेट चेंज की। स्टेट कौन सी आ गई आपकी? क्यू टू, ठीक है। क्यू टू स्टेट आने के बाद अब यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर बी मिलेगा, यहाँ पर ए मिलेगा। तो हमने लूप लगा दिया कि अगर यहाँ बी है और यहाँ पर ए है तो हम क्या कर दें? उस बी से पॉप कर दें, यहाँ बी, यहाँ ए निकाल दीजिए, फिर यहाँ बी, यहाँ ए निकाल दीजिए। तो पहला बी था उसके बदले तो हमने एक निकाल दिया, दूसरे बी के बदले दूसरा ए निकाल देंगे, तीसरे बी के बदले तीसरा ए निकाल देंगे, चौथे बी के बदले चौथा ए निकाल देंगे। अब पॉइंटर कहाँ पहुँच जाएगा बढ़ते बढ़ते? यहाँ पर। चार बी थे, चार बी को एक एक करके रीड करता गया और उसके बदले जो ए था उसको आपने पॉप करते गए। स्टैक में क्या रह गया आपका? ये वाला लूप चल गया, स्टैक में रह गया आपका, यहाँ पर तो ये तीन सी रह गए, यहाँ पर रह गया जेड मार, ठीक। अब क्या करना है? अब देखिए यहाँ हमने क्या बताया, जब सी आएगा तो सी का तो कोई इक्वालिटी चेक करनी नहीं है, तो यहाँ पर सी आए, यहाँ पर जेड नॉट आए, तो हमें सिर्फ क्या करना है? पास करते जाना है, कोई चेंज नहीं करना अगर यहाँ सी है या जेड नॉट है। लेकिन पहली बार हमने स्टेट चेंज की है, क्यों चेंज की है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक बार जब सी आना स्टार्ट होगा तो फिर बी और ए ना आए, तो इसलिए हमने क्या किया, क्यू टू में जब फर्स्ट टाइम यहाँ सी आया और यहाँ पर सिर्फ जेड नॉट बचा हुआ है, ठीक है, तो जेड नॉट को जेड नॉट ही रहने दें, यानी इसको चेंज ना करें। स्टेट जरूर चेंज कर दें पहली बार, जब पहली बार चलेगा तो स्टेट हमने क्यू थ्री जरूर कर दी, जिससे कि बी और ए ना आ पाया, ठीक। तो हमारी स्टेट आ गई अब क्यू थ्री, ठीक। अब क्या बचा? यहाँ तो जेड नॉट ही है, यहाँ पे अभी दो और सी बचे हुए हैं, ये वाला और ये वाला। अब फिर यहाँ सी आया, फिर यहाँ जेड नॉट आया, सी जेड नॉट, कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज रहने देना, लूप चला दिया। फिर यहाँ सी आया, फिर यहाँ जेड नॉट आया, फिर कोई चेंज नहीं करना, सी जेड नॉट, कोई चेंज, ठीक है। तो सी जेड नॉट आते आते हम क्या पहुंच गए, जब सारे सी खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा लास्ट में? लैम्डा। जब सारी स्ट्रिंग खत्म हो गई तो यहाँ पे क्या बची? एप्सिलॉन या लैम्डा। और यहाँ पे क्या बचा अभी? जेड नॉट। यहाँ पे अब लैम्डा आने का मतलब क्या है कि पूरी स्ट्रिंग हमारी खत्म हो गई है। और पूरी स्ट्रिंग अगर खत्म हो गई, यानी कि अगर इनपुट टेप पर आपका लैम्डा आता है, भाई लूप चल गया जब तक ये हटाने थे, उसके बाद अगर यहाँ लैम्डा आता है टेप पर और यहाँ पर जेड नॉट है, इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग पूरी फिनिश हो गई। नाउ यू कैन रीच टू द फाइनल स्टेट, ठीक है। क्या करेंगे फाइनल स्टेट पहुंचाने के लिए? इस जेड नॉट को पॉप कर देंगे एम्प्टी स्टोर मेथड की वजह से। एम्प्टी स्टोर मेथड क्या कहता है? कि जो भी लास्ट में स्टैक में पड़ा हुआ है उसको स्टैक से बाहर कर दीजिए। तो हमने इसको जेड से बाहर निकाल दिया। तो ओवरऑल हमने क्या है इसमें कंसेप्ट अप्लाई किया है? ए आए, स्टैक में डाल दो सारे,
फिर बी आए हैं तो जितने बी आ रहे हैं उसके बदले ए सारे निकाल दो बाहर। चार ए आए थे, जैसे चार बी आएंगे उन चार बी ने चार ए को निकाल दिया। फिर जैसे सी आए यहाँ जेड नॉट रहे, कोई चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग खत्म हो जाए, यहाँ लैम्डा आए और यहाँ पे जेड नॉट बचे, तो हमें क्या करना है, इस जेड नॉट को भी बाहर कर देना है, लैम्डा बचेगा वो फाइनल स्टेट पर पहुँच जाना। ये आपका किस पे वर्क करेगा, ये वर्क करेगा जब ए और बी इक्वल है, सी आपके अनइक्वल है, ठीक है। ये पूरा पार्ट किसके लिए हो गया, इस वाले पार्ट के लिए। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी कह रहा है वो कि जे इक्वल टू के हो, ए आई बी एम सी एम। हमने मान लिया बी और सी ये वाले जो हैं जे और के इक्वल हैं, ए आई बी एम सी एम। इसमें हमें क्या करना है, ए आए कोई चेंज नहीं करना, बी आए स्टैक में डालना है, सी आए पॉप करना है। लेकिन साथ में क्या ध्यान रखना है हमें कि ए आने के बाद ए एक बार ख़त्म हो जाएंगे और बी स्टार्ट हो गए तो फिर ए नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस कंडीशन का भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, ये मान लिया हमने ले रखा तीन ए ले रखे हैं, चार बी ले रखे हैं और चार सी ले रखे हैं। पहली बार ए आया, यहाँ पर जेड नॉट है, ठीक। पहली बार आया है क्यू नॉट ए जेड नॉट, यहाँ ए यहाँ जेड नॉट। आपने क्या किया, नो चेंज, क्योंकि ए आने पर तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं है, इक्वलिटी तो चेक करनी नहीं, तो हमने जेड नॉट का जेड नॉट रहने दिया। यहाँ ए है, यहाँ जेड नॉट है, जेड नॉट का जेड नॉट रहने दिया, स्टेट चेंज कर दी क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। अब Q4 पे आप स्टेट पे आ गए, अब फिर से आएगा यहाँ A, फिर यहाँ Z0, फिर यहाँ A, फिर Z0, फिर आप लूप लगा दीजिए, ये हमने लूप लगा दिया। तो जब तक यहाँ पर A चलता रहेगा, यहाँ Z0 चलता रहेगा, सिर्फ क्या होता रहेगा, कोई भी चेंज स्टैक में नहीं होगा, तीनों A रीड कर ले जाएंगे, स्टैक में क्या बना रहेगा आपका, Z0 बना रहेगा, जब तक ये B पे नहीं आया था। A Z0, Z0 ही रहा, टेपर ए स्टैक में जेड नॉट, जेड नॉट ही रहा। अब आया जैसे ही पहला बी आएगा, जैसे ही पहला बी आएगा उसको यहां पर क्या मिलेगा, जेड नॉट। ऐसा केस कितनी बार होगा, जब ये वाला होगा केस बी और जेड नॉट वाला, एक बार बी आया जेड नॉट आया, ठीक है। हमने क्या होता है, बी आएगा स्टैक में डालना है, सी आएगा बाहर निकालना है, तो बी जेड नॉट स्टैक में डाल दीजिए बी को, और स्टेट चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये केस सिर्फ एक बार होगा कि यहाँ बी हो यहाँ जेड नॉट हो, बी जेड नॉट स्टेट चेंज कर दीजिए, क्यू फाइव स्टेट में आ गए। अब क्या होगा, यहाँ पर हम इस वाले बी पर आ गए और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ, ये बी पड़ा हुआ है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, क्या करते जाना है, पुश करते जाना है। फिर यहाँ बी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, ये दूसरा वाला बी डाल दिया, फिर तीसरा बी आएगा, फिर डाल दिया, चौथा बी आएगा, फिर डाल दिया। यानी जब भी टेप पर भी मिले, स्टैक में भी मिले, तो हमें क्या कर देना है, ना जो स्टैक में पड़ा हुआ है उसके ऊपर टेप वाला भी डालते जाना, लूप लगा दिया, जब तक बी आता रहेगा यहाँ भी मिलता रहेगा, डालते रहे, सारे भी डाल दिए। अब जैसे ही पहला सी आएगा तो फिर ए अभी तो आने नहीं चाहिए, इसका मतलब स्टेट चेंज करनी पड़ेगी पहली बार सी आने पर। तो देखिए क्यू फाइव में जैसे ही पहला सी आया, क्यू फाइव में जैसे ही पहला सी आया तो टॉप ऑफ द स्टैक पर क्या मिला, बी मिला, टॉप ऑफ दिस टेबल बी मिला। और हमने क्या कहा है, अगर यहाँ पर सी हो और यहाँ पर बी हो तो हमें क्या करना है, पॉप करना है, क्यों, सी और बी की इक्वालिटी चेक करनी है। हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। लैम्डा का मतलब क्या है, स्टैक में जो पड़ा हुआ था यहाँ पे वो हटा दिया, इस सी के बदले यहाँ से एक बी हटा दिया, पॉइंटर कहाँ पे पहुँच गया, अगले वाले सी पे पहुँच गया, ठीक। फिर यहाँ सी होगा, फिर यहाँ बी होगा, फिर यहाँ सी होगा, फिर यहाँ बी होगा, फिर यहाँ सी होगा, फिर यहाँ बी होगा, लूप लगा दिया Q6 पे, लूप लगा दिया कि अगर यहाँ पर C है यहाँ पर B है तो हमें क्या करते रहना है, पॉप करते रहना है, किसको, B को। तो चारों C क्या करेंगे, चारों B को पॉप कर देंगे, चारों C ने चारों B को निकाल दिया। अब यहाँ बचा क्या, लैम्डा, स्ट्रिंग खत्म हो गई। तो अगर Q6 स्टेट में स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, यानी यहाँ टेप पे क्या बचता है, लैम्डा, स्टैक में क्या बचेगा, जेड नॉट। तो आपका मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग इक्वल थी, आपका सही चेक हुआ है। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये क्या करेगा, जेड नॉट को भी पॉप कर देगा, जेड नॉट को भी इसने पॉप कर दिया यहाँ से, यहाँ क्या रह गया, लैम्डा। किस स्टेट पर पहुँच गया, फाइनल स्टेट पर पहुँच गया, क्यू सिक्स, ठीक है। इस तरीके से आपने ये डिज़ाइन कर दिया। अब आप ये कह सकते हैं कि मान लो इक्वल ना हो केस, ठीक है, मान लो
ये कैसे फॉर एग्जांपल नहीं है, ये होना क्या चाहिए था, बी और सी इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन है क्या, बी और सी इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या करना चाहिए, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। ये भी तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो देखिए तीन ए आए, ठीक है, स्टैक में जेड नॉट था, कोई चेंज नहीं करा हमने, जैसे ये तीन चार बी आए, चार बी को स्टैक में डाल दिया हमने, यहाँ से डाल दिए चार बी को स्टैक में। अब जब सी आए, सी से क्या निकालना है आपको, बी को निकालना है, सी आया बी निकाल दिया, फिर दूसरा सी आया दूसरा बी निकाल दिया, तीसरा सी आया तीसरा बी निकाल दिया, अब क्या आया लैम्डा यहाँ पर अटका हुआ है, ठीक इसी स्टैक में तो कर रहा है, सी आया बी आया रिमूव कर रहा है, अब यहाँ पर क्या आ गया लैम्डा आ गया, ठीक है लैम्डा आ गया, लेकिन अगर इक्वल होते तो यहाँ पर उसे क्या मिलता, जेड नॉट, जेड नॉट मिलना चाहिए था, लेकिन उसे क्या मिल रहा है उसको, यहाँ पर मिल रहा है बी। भाई अगर यहाँ पर स्ट्रिंग खत्म होगी, चार होने चाहिए थे सी, लेकिन रहेगा सिर्फ तीन ही है, तो यहाँ पर लैम्डा आ गया, यहाँ पर अभी एक बी बचा हुआ है, ये कंडीशन कहीं डिफाइन कर रखी है यहाँ पर, नहीं डिफाइन कर रखी, अगर डिफाइन नहीं कर रखी इसका मतलब क्या है, पी डी आपका फाइनल स्टेट में जाएगा नहीं, फाइनल स्टेट में सिर्फ कब जाएगा, जब ये वाला केस मिलेगा, और ये कब मिलेगा, जब यहाँ बी भी ना हो, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा केस है जो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो ये क्या करेगा, आपका जो ट्रांजिशन डायग्राम है ये आपको फाइनल स्टेट में ले ही नहीं जाएगा, जब फाइनल स्टेट में ले ही नहीं जाएगा इसका मतलब है आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, वो पहले ही क्या कर जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमने दिखा रखे हैं ट्रांजिशन फंक्शंस, इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट, और कुछ नहीं किया हुआ, क्योंकि दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ट्रांजिशन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ट्रांजिशन फंक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्यू नॉट ए जेड नॉट, क्यू नॉट ए जेड नॉट, ठीक है, क्यू नॉट में ए जेड नॉट आता है, तो एक तो कह रहा है कि क्यू वन स्टेट में जाए और ए जेड नॉट हो जाए, क्यू वन स्टेट में आए ए जेड नॉट हो जाए, और दूसरा क्या है, क्यू नॉट ए जेड नॉट पर कि क्यू फोर स्टेट में जाए और जेड नॉट रहे, क्यू फोर स्टेट में जाए और जेड नॉट रहे, तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं इनको यहाँ शो किया गया है। फिर जैसे क्यू वन पे ये लिखा हुआ है, क्यू वन पे ए ए, क्यू वन पे ए ए, तो स्टेट क्या है, क्यू वन ही रहेगी, स्टेट क्यू वन ही रहेगी, और स्टेक में क्या पहुँच जाएगा, ए, ये लिख दिया हमने, ठीक। उसके बाद जैसे लिखा हुआ है क्यू वन बी ए, क्यू वन बी ए, स्टेक स्टेट क्या आ गई, क्यू टू, ये रही क्यू टू, ठीक है, और स्टेक में क्या आ गया, लैम्डा, स्टेक में लैम्डा। इसी तरीके से क्यू टू बी ए, क्यू टू बी ए, ठीक है, स्टेट क्या रही आपकी, फिर से क्यू टू, क्यू टू ही रही, स्टेक में क्या आ गया, लैम्डा, स्टेक में लैम्डा, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजिशन जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं, वही सारे ट्रांजिशन हमने क्या कर दिए, ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। तो एग्जाम में चाहे आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाइए या ट्रांजिशन फंक्शन बनाइए, दोनों ही आपके सेम हैं। कुछ बुक्स में ये दे रखा है ट्रांजिशन फंक्शन, तो मैंने उसके लिए बना दिया है, इसी को देखकर आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल विच वर आस्क इन द एकेटिव 2018-19। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।